शुरुआत केपी मलिक जी, मैं आज आपसे करना चाहूंगा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सरकार के बड़े करीबी लोगों में से दोस्त, मैं करीबी तो नहीं कहूंगा मैं आपको, लेकिन करीबियों के भी करीबी रहते हैं आप। दिल्ली की हर खबर आपको रहती है, ये क्या मामला हो गया? एक एक ही तो मंत्री था जो डंके की चोट पे कह सकता था बीफ पार्टी में जा सकता हूँ। और मतलब ये उदाहरण था कि देखो, एक ऐसा मंत्री भी है जो बीफ खाने की बात करता है, तब भी कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या हो गया कर्नाटक के रिजल्ट के बाद? कुछ गड़बड़ हो गया? मोदी जी प्रेशर में आ गए? कोई और वजह, कारण क्या है? आपको क्या लगता है? संजय जी, लॉ मिनिस्टर को हटाए जाने का सीधा सीधा संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक में आपने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और आप देखेंगे रिजल्ट के तुरंत बाद जो सीबीआई के चीफ हैं उनको भी वहीं से इंपोर्ट किया गया है। नहीं तो जो डीके शिव कुमार हैं, जिसके सीएम बनने की बात चल रही थी, उन्होंने घोषणा ये कर दी थी कि मैं अगर गलती से मुख्यमंत्री बन गया तो सबसे पहले शायद इन्हीं को जेल भेजूं। तो इस तरह की चीजें वहां हो गई थी। दूसरी चीज आपने देखा था कि अभी कल जो है डी शिव कुमार का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको याचिका को स्वीकार न करते हुए कह दिया कि 15 दिन बाद सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कोई बात सरकार की जैसे सुन ही नहीं रहा था, अनसुना कर रहा था। उसमें कई सारे मैटर हैं, आपने मुंबई का मैटर देखा, दूसरे कई सारे मैटर देखे कि सुप्रीम कोर्ट को ये ढंग से डील नहीं कर पा रहे थे। और एक तालमेल जैसे सरकार का और न्यायपालिका का रहता है, उसमें कहीं ना कहीं किरण रिजिजू फेल हो रहे थे। तो उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको हटाया गया है। आपको याद होगा जब लगभग 2 ढाई साल पहले 21 में रविशंकर प्रसाद को हटाया था, तो उनको ये कह के हटाया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अच्छी इनकी पकड़ है, अच्छा इनका नेटवर्क है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इनसे प्रभावित हो सकते हैं, कुछ जज इनसे प्रभावित हो सकते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो ये कारण कह के उनको हटा दिया गया था, और इनका कोई संबंध सुप्रीम कोर्ट के जजों से, वकीलों से नहीं है, इसलिए इनको लाया गया था। और लगता था कि अच्छा तालमेल बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तालमेल बनाया नहीं, उल्टा खराब कर दिया सरकार का। और चीफ जस्टिस ने तो कई बार नाराजगी भी जताई थी कि इनसे वो बहुत नाराज हैं, आपको याद होगा कई टिप्पणी भी इन्होंने की थी। तो ये उसका नतीजा है कि सरकार को सॉफ्ट होना पड़ा, नहीं तो सरकार को ये लग रहा था कि हम काफी नुकसान उठा सकते हैं अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के चलते हुए ये स्टेप लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है संजय जी। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से डरने लगी? मतलब ये सरकार किसी से डर सकती है? मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप नहीं दिल्ली में नहीं रहते संजय हैं। जी, ये नहीं नहीं संजय जी, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि किरण रिजिजू ने तो कह दिया था। डरने की बात तो है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम पावर नहीं है। सुप्रीम पावर तो लोकसभा है या केंद्र सरकार है, हम तो प्रतिनिधि हैं जनता के चुने हुए। आपको जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो कोई जज होते नहीं है, तो इसलिए जज बड़े नहीं है, नेता बड़े हैं, मंत्री बड़े हैं, सरकार बड़े हैं, ये बता रहे थे उनको। लेकिन वो जब ठीक है अगर आप बड़े हैं तो हम बड़ा दिखाते हैं आपको, तो उन्होंने बता दिया कई जगह कि आप बड़े नहीं, हम भी अपनी जगह बड़े हैं। तो उसी से सरकार कहीं ना कहीं घबराई है। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये सरकार किसी से घबराती नहीं है, ये तो कई सारे अभी आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। किसानों से सरकार डर गई है, अभी पहलवानों से सरकार डरी हुई है, अब तो बहुत डर रही है सरकार, अब तो कांग्रेस से भी डरने लगी है। कर्नाटक के बाद तो थोड़ा कांग्रेस से भी डरने लगी है, बाकी एलआई से भी डर रही है लेकिन पहलवानों से क्या जी। डरी सरकार? मलिक साहब पहलवानों से क्या डर रही है? नहीं पहलवान उसी का आप देखो, अभी 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 देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पे फैसला आ गया सरकार का, अब कैसे हटा दिया उनको, दूसरा जांच कैसे हो गई, उनका बयान कैसे ले लिया गया, पहलवानों का बयान कैसे ले लिया गया, वहां पे भी कोशिश हो रही है। देखिए वहां पे भी सरकार ने और पार्टी ने अपने जो है कुछ जासूस घुसा रखे हैं वहां पे, लेकिन वो कामयाब नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो लोग भी रणनीति सीख गए हैं। एक साल में किसानों की, खासकर उस कम्युनिटी की जिससे पहलवान आते हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दिल्ली में हो गई, और उसी का नतीजा है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं टूट रहा है। इसको तोड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद सब किए जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन टूट नहीं रहा है। और इसमें कई लोगों को हथियार बनाया गया है, मैं यहां नाम नहीं लूंगा उनका, उनको हथियार बनाया गया। आप भी जानते हो पहले भी हथियार बने थे किसान आंदोलन में भी, लेकिन वो हथियार जो है अच्छे सिद्ध नहीं हुए, उल्टे भस्मासुर सिद्ध हो गए थे वो। तो उन हथियारों को थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ बोलता है कि हथियार पे जंग लग जाता है, तो उसका थोड़ा घिसाई विसाई करवा के, उसको पैना करवा के दोबारा उसको लाया गया, लेकिन वो काम नहीं कर पाए, कर नहीं पा रहे काम।
तो सरकार सब तरीके से कर रही है, सरकार अभी बैकफुट पे है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए कई बार दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार ने दो कदम पीछे खींचे हैं। केपी मलिक जी, सारी बातें सुनी है आपने, आप क्या सहमत हैं कि इसीलिए लाया गया होगा मेघवाल जी को, सारे जो विद्वान पैनलिस्ट के मानना है? नहीं देखिए, दो बहुत अच्छी विवेचना दिनेश जी ने की है और अपने जो आनंद सर ने, आनंद वर्धन आनंद जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी विवेचना की है संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि जो सीबीआई के चीफ हैं उनको चुनने के लिए तीन लोग होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो लोकसभा में नेता होते हैं, तो लोकसभा के नेता जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, तो फिर अगर चीफ जस्टिस इतने नाराज थे तो वो क्यों इतनी आसानी से मान गए? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और मैं जो सबसे बड़ी चीज देख रहा हूं, आने वाले समय में जो लगभग 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पे, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मैटर वो है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई चीज इस तरह की चल रही है कि कुछ सेटिंग गेटिंग हो, वो सरकार के और इनके बीच में कुछ उस तरह की चीजें हो रही, उसको देखते हुए ये चीजें की गई हैं। जैसा कि आनंद जी ने भी कहा कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है यहाँ पे किरण रिजिजू, किरण रिजिजू हो चाहे मेघवाल हो, ये तो आप किसी को भी उठा के कहीं भी कर सकते हैं, ये कोई फैक्टर नहीं है। बड़ा फैक्टर ये है कि आगामी 3-4 महीने के अंदर जो बड़े बड़े काम होंगे और उनमें मुझे महत्वपूर्ण सबसे वही दिखता है, उसके उसी से पता चलेगा कि क्या मामला है। जी राजेश जी, आपको क्या मानना है कि ये जो कहा जा रहा है कि 3-4 महीने में कुछ बड़े बड़े फैसले और खासतौर से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा राजनीति में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, क्या लगता है आपको कुछ अच्छे सार्थक कदम आएंगे सामने? अब यही एक लिटमस टेस्ट है अब कोर्ट का, एक अडानी वाला मामला है और दूसरा ये इलेक्टोरल बॉन्ड, दोनों बहुत ही सेंसिटिव है मामले इस सरकार के लिए। इसमें अब ऑन द फेस ऑफ इट वैसे देखिए तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा जांच पड़ताल वाली बात है नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जैसे जहां तक सवाल है उसकी अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने फिर देखिए ये कहा था कि वो कंसिडर करें कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना करके उसको सौंपा जाए, अगर ऐसे करते हैं तो मामला फिर और टल गया, अगली सुनवाई में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना करके गठित करके उसके ये मामला उसको देते हैं तो फिर उसके बाद फिर और आगे की सुनवाई होगी, तो मामला तो लटक जाएगा। अडानी वाले में एक देखते हैं कि अब सेबी क्या रिपोर्ट देती है, कुछ गोलमाल करके ऐसे ही दे देती है और मामला और खिंचता चला जाता है तो फिर वो मामला भी लटक गया। तो ये देखना है कि यही अगले 3 महीने के बाद कितना कड़ा रुख लेती है ये सुप्रीम कोर्ट।